हेलो गाइस, आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही मज़ेदार, क्योंकि आज की वीडियो में हम ओपन करने वाले हैं एक डीसी मोटर। तो चलिए बिना देखिए चालू करते हैं। तो गाइस, हमारे पास बहुत सारी चीजें थी, अब मैं आपको बताऊंगा इसे क्या क्या निकला। तो पहला निकला हमारा कॉपर वायर, आप देख सकते हैं इतना सारा कॉपर वायर निकला है हमारे पास। उसके बाद ये रहा इसके आउट कवर का हाल। उसके बाद हमारे पास ऐसी ब्लू, अगर ये देखते हैं ऐसे ब्लू, और ऐसे एक ही बहुत सारा इस डंडी में कुछ देखे। ऐसे मैंने इन्हें मरोड़ दिया तोड़ के लिए, ऐसे निकले बहुत सारे निकले। उसके बाद ये डीसी मोटर का वो जो मेन होता है ना ऊपर का पार्ट, जो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी लेके यहाँ पे कनेक्ट कर देता है, और फिर यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी लेके यहाँ पे कनेक्ट करने के बाद इस टाइप की चीज़ के अंदर वो जाता है, जिस वजह से इन तीनों पार्ट में, ये जो तीन पार्ट है ना, एक दो और तीन, इन तीनों पार्ट में इलेक्ट्रिसिटी आती है, जिसमें कॉपर वायर ऐसे ऐसे घूमा हुआ होता है, जिस वजह से ये घूमने लगते हैं और ब्लेड घूमने की वजह से ऊपर का घूमने लगता है। तो यही है पूरा मैकेनिज्म। लेकिन आप सोचोगे कॉपर वायर में इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो वो घूमता कैसे? तो इसका रीज़न है इलेक्ट्रोमैग्नेट, मतलब ये देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेट, मतलब उसके अंदर से मैग्नेट भी निकला है, तो इस वजह से वो घूमता है। मतलब ये जो स्टील की जो प्लेट्स है उसकी वजह से वो घूमते इलेक्ट्रो मैग्नेट और इन सब की वजह से। तो आप सोचो कि ये कैसा मैग्नेट है, ये तो मैग्नेट का पाउडर लग रहा है या कोई तो पाउडर लग रहा है। तो ये मैग्नेटिक पाउडर है, क्योंकि हमने जब उसे निकाल रहे थे तो ऑब्वियसली बात है हमने इसका ऐसा हाल कर दिया है, इसके कॉर्नर्स पे था तो ये टूट गया होगा। तो ऐसे बारी पार्टिकल से हमने इसका पार्टिक कर दिया, ये बहुत अच्छा था और ये बहुत ही मस्त काम कर, मतलब इसे अगर हम रियल मैग्नेट को चेक करें बहुत मज़ा आता है। आप करके देखिए अगर आपको पसंद है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।